सो फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे कि मैं एक्चुअल में कनॉट प्लेस के अंदर रह रहा हूँ. मुझे यकीन नहीं हो रहा है. दिस इज लाइक डाउनटाउन ऑफ दिल्ली. यकीन नहीं होता क्योंकि मेरी F1 वीजा की अपॉइंटमेंट है कनॉट प्लेस के पास. VFS यहाँ से 3-4 मिनट या 5-6 मिनट की ड्राइव है. तो मैंने सोचा पास में रहते हैं ताकि अगर सुबह लेट उठा, 9 बजे उठना होता है, 9 बजे पहुँचना होता है, जल्दी से जल्दी पहुँचना है. The next day. So hello everyone. आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. आज मेरी US वीजा की अपॉइंटमेंट है. मैंने देखा रिक्वायरमेंट अच्छे से पढ़ी नहीं, जो लॉयर ने मुझे दिया वही पढ़ी. और मेरी अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है कि आई नीड टू गेट 2x2 फोटोज़ 2. मैंने क्लिक ही नहीं करवाई. तो अभी फटाफट जा रहा हूँ अपॉइंटमेंट से आधा घंटा पहले इंस्टेंट फोटोज सुबह 8 बजे लेने. लकीली दिल्ली में शॉप्स खुली होती है सुबह 8 बजे. क्या बात है. आप पता क्लोन स्टैम्प यूज करते हो? क्लोन स्टैम्प नहीं नहीं कौन सा टूल यूज करते हो? टूल तो सारे यूज कई यूज करता हूं, एक से कुछ नहीं होता ना. अच्छा. मैंने भी फोटोशॉप सीखी है पर आपकी स्पीड तो कभी नहीं आ सकती सर. मेरा काम ही यही है, मैं करता रहता हूं. नहीं गलत नहीं कह रहे आप. कभी-कभी करते हो? नहीं, मैं DS160 भी भूल गया था. उन्होंने बताया कि ₹20. दिस इज कंफ्यूजिंग. सो आज तो उन्होंने मेरी जान ही बचा दी. तो वो मुझे कहते हैं कि अगर ड्रॉपबॉक्स ऑनलाइन नहीं मिलता, राइट हियर आई मेंट कि अगर आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती फॉर B1, B2, H1B या F1 वीज़ा, तो उन्होंने बल्क में ली होती है, तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस में दे देंगे. तो वो ले देते हैं, दे चार्ज 15,000 रुपीज़. ऑनलाइन 12,000 होता है, $160. तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं. किसी को भी अपॉइंटमेंट विद इन वीक, विद इन मंथ लगा सकते हैं, अगर H1B का भी हो. काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि H1B की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, बट अगर आप इन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे, इनका मैं नंबर दे दूंगा, तो आपको ये विद इन 1 मंथ कहीं पर भी अपॉइंटमेंट, कोई भी तरह की, किसी भी वीज़ा की, US की अपॉइंटमेंट दिला देंगे. ब्रिटिश ने बनाया था ये. यहाँ पे ना उस टाइम पे कम शॉप है. जो मेन मार्केट है शॉपिंग का वो ये है. अच्छा. यहाँ पे आप मार्केट देखेंगे, यहाँ पे मोस्टली जो है ना ब्रांडेड शॉप है. Okay. International shop है सारी. क्या बात है, सबको complete information है Connaught Place की. Really impressed by knowledge of the auto rickshaw person. मजा आ गया. Old lunchbox, have you seen these? No. I used to take one of these to my school too. Oh really? Yeah. I thought it was just for fancy. Yeah. Sometimes. I mean, you are fancy, I guess. Yeah. And appointment वाले ने, उन्होंने कहा कि coffee ready है यहाँ पे, thanks to their hospitality. तो उन्होंने मुझे कहा कि that even if I am late by even 2 hours, some people at the last moment was going to take photos, because in my form it's written photo will be taken at the VSC. Yeah. Fingerprint. It's written there photo will be taken. But अगर Dropbox case है तो photo खुद लानी पड़ेगी. मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, I got confused. Yeah. So, but thank God. Oh wow, हवा अच्छी आ रही है. इतनी गर्मी. Yeah, it was so hot. Really? It was humid, right? It's not that hot, it was humid. Oh. Yeah. देखिए. Scary. Wow. मैं देखिए ये. रात को 3 बजे यहाँ से इतने से ज्यादा लोग इधर हाँ, लोग 3 बजे तक इतने परे पे सी फोन खा लिया. मैं सोता है राती, मैं 4 बजे सोता, लेकिन मैं उठ के नहीं देखा, मैं उतरे आवाजें सुन रहा हूं. मैंने दसा इतनी सारी सड़क परी हुई सी. दिस वाज ऑल फिल्ड विद पीपल. मैं इधर आया हूं. लुक्स सो ग्रेट. यू आर होम ब्रेकफास्ट. या एंड क्योंकि लकीली मैं CP में ही हूँ, कनॉट प्लेस में ही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट की जगह भी यहीं पे. इट इज़ 10 मिनट्स वॉक अवे. अभी 10 AM हो रहे हैं. सो आई एम गोना लीव इन अराउंड 5 मिनट्स. 10 मिनट की वॉक है एंड अभी मैं बहुत फ्रेश नहीं फील कर रहा हूँ. भाग के मैं फोटो सेट कराने गया था, बट थैंक्स टू मामा अर्थ. बट लकीली मेरे पास है मामा अर्थ का परफ्यूम. दैट्स गोना मेक मी फ्रेश फॉर माई अपॉइंटमेंट. केडी, सो डू यू वांट टू चेक आउट माय न्यू परफ्यूम? So this has actually signature scent. So depending on everyone's oils, it will react differently. So her body different hoti hai. So it's gonna smell differently and unique to every person. Let's try it out. That's really cool. It's unisexual, so you can also put on and I can also put on. Really? Yeah. Oh. Go ahead. Nice. It smells very fresh. Oh wow. And it's gonna make me very special for my F1 visa appointment. I'm really excited and more confident now. इतना पसीना आ गया था नहाने के बाद भी, बट अब स्टिंक नहीं करूंगा. बढ़िया ना, बहुत यूनिक है. नाला के चलना है, पैक करना. सो जस्ट टेकिंग माय फाइल. आई डोंट नो कि शायद फोन वगैरह अलाउड है, बट बैग अलाउड ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में चलना. ओके, बाय केडी. बाय, थैंक यू. ऑल डॉक्यूमेंट्स चेक.
एंड मुझे ऑनेस्टली मामा अर्थ के मी परफ्यूम की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि चाहे जयपुर की गर्मी हो या अमृतसर की ठंड, देयर फ्रेग्रेंस विल लास्ट फॉर अप टू 12 आवर्स एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड फ्रेग्रेंस एंड कोई भी यूज़ कर सकता है, मेल और फीमेल। एंड बाकी आप सबको पता है कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैं कितने सालों से यूज़ कर रहा हूँ। एंड दे लिंक योर ऑर्डर टू द ट्रीज दैट दे प्लांट एंड बाई 2025 द प्लान इज टू प्लांट अराउंड 1 million ट्रीज। सो डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे हरनूड 2022 तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। एंड अगर आप इनकी ऐप यूज़ करोगे अवेलेबल ऑन बोथ एंड्रॉइड एंड iOS तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो डेफिनेटली चेक देम आउट। थोड़ा सा नर्वस मैं डेफिनेटली हूँ, पर मुझे पासपोर्ट साइज फोटो वाले भैया ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दिया कि ताकि लेट भी हो तो भी आप वापस जा सकते हो। आपके पास शाम के 4 बजे तक टाइम है, अगर बाई चांस कुछ हो भी जाता है अमृतसर जाके फ्लाइट लेके भी आ सकते हो अगर कुछ रह गया तो। मतलब इतना भी डर नहीं लग रहा, पर थोड़ी सी यार होती है नर्वसनेस। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मांग लिया जो नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने अपनी तरफ से लॉयर से बात की है तो हो जाना चाहिए, पर लॉयर ने मुझे 2x2 फोटोज़ का बताया नहीं था, वो इस पे लिखा था, मेरी गलती, मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने लॉयर पे रिलाई किया कि जो बोलेगा सच बोलेगा। ऑलमोस्ट देयर यार। सीपी में रहना कोई डाउनटाउन में रहने से कम नहीं है, इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आई लव वॉकिंग देन ड्राइविंग। तो पहुंच ही गया स्टेडियम, तो वो एग्जिट थी, यहाँ से एंट्रेंस है। पीछे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम्हारा वीजा लग जाएगा अगर तुम मुझे पैसे दे दो, कभी फंसना मत, मतलब दे वेस्ट योर टाइम। मुझे लगता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। डोंट गेट योरसेल्फ इमोशनली अफेक्टेड, आप और नर्वस हो जाओगे इससे। तो फाइनली उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया। इट वॉज एक्चुअली अ 2 मिनट एक्सपीरियंस, पर आपको इतना चीज़ याद रहनी चाहिए कि बाहर आपको काफ़ी लोग सर्विसेज देते हैं, पासपोर्ट फोटो वहीं से करा लो। अगर आप भूल जाते हो कुछ इमीडिएटली बाहर से हो सकता है, पर बी प्रिपेयर्ड। आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, योर पासपोर्ट एंड DS-160 कॉन्फर्मेशन। और कुछ भी नहीं लिया मुझसे, स्पेशली फॉर F1 वीज़ा। H1B का अगर मेरा होता तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी F1 वीज़ा के लिए तो ड्रॉपबॉक्स के लिए ऐसे एक्सपीरियंस था। भयंकर ट्रैफिक हो रहा है आज तो। मेरा ही सिग्नल था फिर भी रोड क्रॉस करना इतना मुश्किल है, बट फिर भी आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली आई एम कमिंग टू इंडिया आफ्टर 1 ईयर, बट इट फील्स लाइक 2 ईयर्स क्योंकि यू नो पिछले साल हाथ लगा के 3-4 दिन में वापस आ गया था। सो थोड़ा सा डर लग गया। नाउ टाइम टू चेक आउट। गुड बाय सीपी। माय वीजा अपॉइंटमेंट वेंट सो स्मूथ, इट वाज जस्ट 2 क्वेश्चंस। या आई वाजंट नर्वस लाइक लास्ट टाइम 45 मिनट्स। Yeah, so many personal questions, but this was Dropbox, so there's a difference. तो उन्होंने मतलब मैंने देखा कि कई लोग ना वहाँ पे फेक कर रहे थे, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि इन्होंने झूठ लगाया। तो बेसिकली फॉर ड्रॉपबॉक्स एलिजिबिलिटी इज अगर आपका वीज़ा 2008 के बाद कभी भी लगा है तो आप ड्रॉपबॉक्स कर सकते हो, पर किसी ने झूठ लिखा हुआ था कि 2008 के पहले इनका लगा हुआ था और लिख दिया कि बाद में लगा था। तो कहते हैं कि नहीं, आपको दोबारा जो आपने पैसे दिए वो वैलिड है पूरे 2 साल के लिए, आप दोबारा अपॉइंटमेंट लो, पर आपको इंटरव्यू देनी ही पड़ेगी। झूठ नहीं लिख सकते 2008 से पहले का, मतलब आपने अपॉइंटमेंट दी थी, मतलब वीज़ा लगवाया था, पर बाद में लगाना चाहिए। तो कि आपको अगर आपका बाद में 2008 के बाद ही लगा तभी आपको ड्रॉपबॉक्स के लिए एलिजिबल माना जाता है। You can find the other details required for Dropbox US visa in the description below. जैसे कि you must have gotten the visa after January 8 and 2 साल से ज़्यादा expire नहीं होना चाहिए. And same category. So first India gate or Red Fort? Okay, India gate. Let's put India gate. It's a very pretty city. Yeah, what do you think about trees. It? Trees. Yeah, I like all the trees and it's very colorful and yeah, it's not as crowded as I thought it would be. I don't know. It's like a weird time of day. No, it's a working day. That's why it's not crowded. Yeah, yeah, yeah. It's Tuesday, so. India gate aaya. Here apna entry ke thon hai tum. There it is, ho raha. Ye India gate. Hamara signal on tha, phir bhi koi rasta nahi de raha. She got so scared, she ran. तो मैं ट्राईपॉड लेके जा रहा था इंडिया गेट, वो कहते हैं कि नहीं ट्राईपॉड नहीं लेके जा सकते, फोन अलाउड है, यू कैन रिमूव मास्क दिस साइड। सो बेसिकली द गार्ड इन द बिगिनिंग सेड यू कैन रिमूव मास्क, बट लेटर ऑन दे सेड कि पहन लो। तो मैंने उन्हें बताया कि पीछे वाले गार्ड ने बताया कि मास्क उतार सकते हो अगर वैक्सीनेटेड हो, कहते फिर उतार दो। मैं कन्फ्यूज हो गया, आधे लोग पहले पहनो आधे लोग पहले नहीं पहनो। सो फाइनली गोइंग टू इंडिया गेट। एंड when people picture Paris, do they also think about India gate or no? You've been to Paris, right? So, the Paris, there's a gate in Paris too, yeah. right? Yeah.
the arch. Arc de Triomphe. Arc, okay, whatever the it is. The Arch of Triumph. So yeah. People think about that too, right? When they think of Paris. Yeah, yeah, yeah. And so. Eiffel Tower, of course. Yeah, Eiffel Tower. Get on down. It's awesome. It's spectacular. Yeah, exit they make you go through the memorial. अगर गेट ही नहीं होती तो मैंने कभी सोचा ही नहीं होता यहाँ पे आने का. सो इट वाज सो मच फन बिकॉज़ मेरे फ्रेंड्स ने बताया इंडिया गेट बंद है, फिर भी दूर से देखने का मजा ही कुछ और है. लाइक सम ऑफ द मेमोरियल्स इन वाशिंगटन डीसी. नो आई डिड नॉट. काइंड ऑफ सिमिलर. ओह सिमिलर. या या लाइक विद फाउंटेन. ओह वाओ. आई दिस वाज सो स्मार्ट. दे फ्लडेड द शुगर केन फील्ड्स विद वाटर. Indian Army is so, so smart. The scariest part. Oh my gosh. Road, kisi wahan pe signal tha hamara, tab bhi jaane nahi diya. Agar signal nahi hai to aur mushkil.